रही है मेरी जुबान तो चुप ही रही है। आंसुओं का पानी यादों को दिया है मेरे साथ कैसी ये अनकही है। मुझे फिर से कोई नया ख्वाब दे सवाल हूँ तुझ पे तू जवाब दे। आपके शहर में आने की इजाजत मांगने आई है, बस एक बार की हाजिरी की इजाजत का सवाल है। ये कनीस दुआ लेके वापस चली जाएगी, वापस दुनिया की दोजख में।
क्या, ये क्या कह रहे बाबा, कहां चली गई? अब्बा तू मजाक कर रहा ना मेरे साथ? कहीं पड़ोस में गए ना फूफी और नूर अफरोज? नहीं कर रहा मैं मजाक, चली गई है वो। जा जा मिठाई तकसीम कर गांव में जाके, शिमला ऊंचा कर ले अपना। और तूने तो जिंदगी खा ली थी उस गरीब की। बेटी दे दो, बेटी दे दो, बेटी दे दो। हाँ तो क्या बुरा किया, क्यों नहीं दे रही थी वो नूर अफरोज मुझे? अब्बा क्या कमी है मुझ में, हर घर में ऐसे ही होता है। कबीर पुत्र है, कभी कभी ये फर्ज हो जाता है कि हक ना जताया जाए। वो तेरी खुदकुशी के डर से ही चली गई यहां से। अब्बा मैं लाड कर रहा था उसके साथ, मुझे तो यही पता था सुबह तक हाँ कह देगी। अच्छा खैर तू मुझे बता किधर है, मैं अभी मना के लाता हूँ। तू मुझे रात को बताता मैं जाने ही ना देता उसे। रहने दे, अब वो बहुत दूर चली गई है, पीरों में चली गई है वो। पीर? कौन से पीर? हमारे मुर्शिद। लेकिन अब्बा हम कभी किसी मुर्शिद के पास नहीं गए। तू नहीं गया ना, हम तो जाया करते थे। अब पता नहीं ये पीर कहां से फूट पड़ा। जब उन्होंने तुझे हक ही नहीं दिया तो जताता क्यों है? मेरी बहन मेरे घर में रही है, तेरे नहीं कि तेरा जवाब दे हूं मैं। तो जब मैं उज्जत नहीं कर रहा तो तुझे क्या हक है, है? मैं हक नहीं मोहब्बत जता रहा था। खैर छोड़, मुझे बताओ वापस कब आएंगी? जब मुर्शिद इजाजत देंगे तभी आएंगी ना। कहां है तेरे मुर्शिद का डेरा? ये क्या कर रही है अम्मा, बीच रास्ते में चप्पल क्यों उतार रही है? तू भी उतार जूते। क्यों, मैं क्यों उतारूं? हाँ सबने तो पहनी हुई है। हमारी बात और है। उतार जूते। खाना उतार जूते। मेरा साहिब मुर्शिद कामिल तू, मेरा रोब रोब
बाहर चलना, अच्छी खासी जगह पड़ी है, आगे आगे तो बारी आएगी। ठहर जा, सांस तो बराबर कर। माई बताओ क्या काम है आपको सरकार से? दुआ करानी थी सरकार से। कहो कनीज दुआ लेने आई है सरकार से। सरकारी औरत कह रही है कि वादा खिलाफी की माफी चाहती है सरकार। कोई चारा नहीं था, इसलिए आना पड़ा। बहुत मजबूरी थी सरकार, बहुत मजबूरी। आपकी एक अमानत है मेरे पास, लुटानी है सरकार। Thank you.
की तरह। इसे आपकी दुआ की जरूरत है सरकार, आपका साया चाहिए। इसके सर पे हाथ रख दे सरकार। जल्दी करें बीवी, अपना मुद्दा बयान करें। सात वाले गांव से लोग आए हुए हैं, सरकार ने फैसला करना है। ये हमारे मेहमान हैं, कुछ दिन यही रहेंगे, इन्हें जनान खाने में ले जाओ। नहीं सरकार, माफी सरकार, खता होगी, जो हुक्म सरकार। सयोनी मेरा दिल तड़के, सयोनी मेरा दिल तड़के, दिल तड़के ते नाल अख फड़के, दिल तड़के ते नाल। आधा वर्ष है, अस्सलाम वालेकुम। कैसी रही मुलाकात उस छोटे के साथ? सारी रात याद आती रही तेरी। जब शौहर दूसरी शादी कर लेना तो सौतन से भी बुरा लगता है दिल को। मुझे खुश करने की कोशिश मत किया कर, मैंने तेरे लिए गाना गाना छोड़ दिया है। ये बता क्यों आया है? वो सरकार के मेहमान आए हैं ना, उन्हें बीबी मुर्शिद के पास ले जा। कहाँ है? आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ।
ये कौन है? बेटी है मेरी। किससे शादी हुई तेरी? था कोई। अब किधर है? कमाने गया है। आई क्यों है? इससे तुझे क्या है? अंदर लेके जाती तो ले जा, वरना जाते हैं वापस तेरे पीर के पास। वाह भाई मलका, नखरे तो तेरी बेटी के ऐसे हैं जैसे किसी लाड साहब की बेटी हो, और वो भी लाडली। ली तो लिए दुआ तूने अपने मुर्शिद से। चल अब वापस घर चलते हैं, यहाँ दरवाजे पे हिसाब किताब देने थोड़ी आए हैं। नहीं मलका, तेरा ब्याह किसी गवर्नर से हुआ था क्या? माफ कर दे बहन काली, बच्ची है, इसे क्या पता आपकी बड़ाई का। चल आ जा, मेरे पीछे पीछे आ। वैसे भी तेरी पुरानी वाकफियत है लखी महल से। चला, तुझे बड़े सरकार की घरवाली के पास ले चलूं। मुझे राबी लापी ने खुद कहा है कि आप लोगों ने उन्हें हाँ कही। आप लोगों ने कहा है कि पीर अहराम की आते हमारी शादी की तारीखें तय हो जाएंगी। बेटा हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है, हमने तो सिर्फ इतना कहा है कि हमने इस मामले पर अभी कुछ सोचा ही नहीं है। तो क्यों कहा है ऐसा? बाबा जी को उन्हें साफ इनकार कर देना चाहिए था, झूठा आसरा देने की क्या जरूरत थी? नहीं किया जा सकता था बेटा, और वो लोग सिर्फ तुम्हारा रिश्ता लेने नहीं आए थे कि हम इनकार कर देते, वो तो तुम्हारी दादी का तय किया हुआ रिश्ता याद दिलाने आए थे। तो हमने कहा था दादी से कि हमारी मंगनी कर जाए। राबेल आपी ने भी साफ मना कर दिया है पीर अहराम से शादी करने से, और मेरी तरफ से भी मना है। बाबा से कहें कि ज्यादा देर इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी फोन मिलाएं और मना कर दे उन्हें, इससे पहले कि खालामी सारी दुनिया को बताती फिरे। अच्छा तो तुम्हारे बाबा आएंगे तो बात कर लूंगी। जी नहीं, अभी उन्हें बोलें, अभी बुलाएं बाबा को दरबार से। अच्छा अच्छा अभी चुप करो, मुरीदनियां आ रही है, बाद में बात करेंगे। बीबी मुर्शिद, मुरीदनी आई है। पहले हमारे गांव में हाफिज फजलदीन साहब होते थे ना, जिन्होंने बड़े सरकार को कुरानशी पढ़ाया था, ये उनकी बेटी है मलका। अच्छा, सलाम बीबी मुर्शिद। वालेकुम अस्सलाम। और ये इसकी बेटी है नूर अफरोज। सलाम कर बीबी मुर्शिद को। अस्सलाम वालेकुम। अरे तुम अभी तक पैर पकड़ के बैठी हो, मुझ में इतनी करामात नहीं है जितनी तुम अकीदत दिखा रही हो।
करामात ना सही, करम तो है ना आपके बीबी मुर्शिद। पैर छू बीबी मुर्शिद के। पैर छू बीबी मुर्शिद के। चल जल्दी कर। रहने दो, दिल नहीं चाहता तो मत छुको। बैठो। छोटी बीबी मुर्शिद से भी मिलो। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओ शहर की शहजादी, तेरी सहेली नहीं है हमारी गुड्डी बीबी, बड़े बाप की बेटी है मुस्नद नशीनों की। तू इतने बड़े बाप की बेटी नहीं कि बराबरी वाले अंदाज में मिले, झुक के मिल जैसे तेरी माँ मिली है। सही कह रही है अम्मा काली, झुक के मिल। नी क्या सोच रही है? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम भी ना अम्मा काली, हर किसी को लाके हमारे पांव में गिरा देती हो। हमारा काम है लोगों को आपकी हैसियत याद दिलाना, वरना बराबरी करने में देर नहीं लगती। अच्छा अच्छा बस रहने दो। सुना था गांव की पहली मैट्रिक पास लड़की हाफिज फजल दीन की बेटी थी, बहुत धूम सुनी थी तुम्हारी, तुम्हारे हुस्न की, तुम्हारी तालीम की। मुझे भी पढ़ने का बहुत शौक था, तो मैं सोचती थी काश मैं भी हाफिज फजल दीन की बेटी होती। कभी हाफिज फजल दीन की बेटी ने भी बीबी शेरबानो बनने के बड़े बड़े ख्वाब देखे थे। अच्छा वो कैसे? बस आपको भी अल्लाह ने कोई बड़ाई अता की होगी। फिर क्या भी आंख ही फूट गई। तुम लोग तो अचानक से गायब हो गए थे ना, कहां चले गए थे? बस जाना पड़ गया बीबी। अब कैसे आना हुआ? दुआ लेनी थी बड़े सरकार की, बताऊंगी। जरा सांस ले लो, बड़ी दूर से आई हूं। हाँ हाँ अम्मा काली, मलका को मुरीद खाने ले जाओ, इनके कुछ खाने का बंदोबस्त करो। जी बीबी मुर्शिद। ये कौन है अम्मा काली? मैडम है, बलैर से आई है। जाहिर है मुरीद नहीं है। वो रहा तुम लोगों का कमरा। किसका फोन है? वलायत से, लाड साहब का। वापसी कब है तुम लोगों की? जल्दी। माफ कर दे बहन काली, बच्ची है। अच्छा जा।
तुमने अभी तक खुदकुशी नहीं की? जहर ने मुझे मारने से इनकार कर दिया, कहने लगा तुझे तो पहले कोई नागिन डस चुकी है। तेरी वजह से हमें यहाँ आना पड़ा। अच्छा वापस कब आओगे तुम लोग? मुझे नहीं पता, अम्मा से पूछ ले। ने अम्मा, जन्नत से कबीरे का फोन आया, कह रहे जिस ट्रेन से तुम लोग गए थे उसी के नीचे आ गया था रात को। मैं भी ऊपर पहुंच गया हूँ, सोचा तुम लोग के सफर का हाल पूछ लूं। इसे बोल मेरा दिल नहीं है बात करने का। अम्मा कह रही है उनका दिल नहीं है तुझसे बात करने को। फूफी नाराज है मुझसे? मेरे ख्याल से तो तू बड़ा अफसर बनने वाला है, इतना सही तो हो गया है ना। हाँ तो ऐसा क्या मांग लिया मैंने, तू तो वैसे ही मेरी है। तूने कहा तू खुदकुशी करेगा और तूने की भी नहीं, इस बात का ना बड़ा अफसोस है अम्मा को। और तुझे? मुझे तो सदमा है। अच्छा ये बता, यकूब तो खैरियत से है ना? अच्छा अपने मुर्शद से मेरे लिए भी दुआ लेती आना, उससे कहना कोई ऐसा धागा दे कि तू हर वक्त कबीर कबीर करती फिरे। अब फोन बंद कर, ये तेरा घर नहीं है। मैं कब कह रही हूँ कि मेरे बाप का घर है? अच्छा कबीरे, अम्मा को तुझ पे बड़ी तप चढ़ी हुई है, अब कल बात करेंगे। अच्छा सुन, फुप्पी से कह आई लव यू। अच्छा अच्छा खुदा हाफिज। मोबाइल का इस्तेमाल कम कर, यहाँ रहने के कुछ कायदे कानून हैं। तू बची नहीं रही, किसी ने तुझे इसी तरह बात करते हुए देख लिया तो कहानियां बनने में देर नहीं लगेगी। क्या हो गया तुझे अम्मा? इस हवेली में पहुंचते कैसी उल्टी उल्टी बातें करने लगी है? बातें क्या, तू तो चल भी उल्टा रही है। दुआ दे दी ना तेरे मुर्शिद ने, अब घर चल। चखा चखा ले जाके मुझे पैर छुवा रही है। लो नाश्ता कर लो। तो ये है तेरे मुर्शिद की मेहमान नवाजी, काली चाय, सूखे हुए पराठे, ये जले आलू। थोड़ा पानी मिल जाएगा? अब अगर तूने बकवास की ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी।